ट्रीटमेंट के तौर पर मेडिसिन के पीछे खर्चा करने के बावजूद भी कई बार मेडिसिन पावरफुल इस्तेमाल करने के बावजूद भी आपकी मुर्गियां नहीं सुधरती, इसके पीछे का कारण क्या है, यही दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। इसलिए वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरा देखिएगा, क्योंकि पोल्ट्री फार्म में अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो डिसीज मैनेजमेंट आपको सीखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये वीडियो कहीं तो सेव करके रखिए, प्लेलिस्ट में सेव करके रखिए, डाउनलोड करके रखिए, ये आपको बहुत ज़्यादा काम में आने वाला है। पोल्ट्री बिजनेस करना चाहते हो तो वीडियो में दिखाई जाने वाला पोल्ट्री प्रेप ईबुक और पोल्ट्री हार्डबुक एक बार अगर आप पढ़ लेते हो तो पोल्ट्री के रिलेटेड बॉयलर पोल्ट्री फार्मिंग, देसी पोल्ट्री फार्मिंग और लेयर पोल्ट्री फार्मिंग की 90% जानकारी आपको मिल जाएगी। इस बुक में मैंने डिसीज, मेडिसिन, वैक्सीन और फीड मैनेजमेंट के अलावा चिक्स आने के पहले दिन से लेकर बड़े होने के बाद उनको बेचने तक इन सारी बातों को कवर किया है। पोल्ट्री प्रेप ईबुक और पोल्ट्री हार्डबुक दोनों में भी सेम इन्फॉर्मेशन दी गई है और ये दोनों भी बुक आपको हिंदी, इंग्लिश और मराठी भाषा में मिल जाएंगे। पीडीएफ ईबुक आपको मात्र 50 रुपये में मिल जाएगा और हार्डबुक आपको 250 रुपये में मिल जाएगा अगर आप प्रीपेड 250 रुपये ऑनलाइन पे करके इस बुक को खरीदते हो तो, और अगर आप कैश ऑन डिलीवरी पे इस बुक को मंगवाना चाहते हो तो आपको 50 रुपये एक्स्ट्रा कैश कलेक्टिंग चार्जेस पे करना पड़ेगा। अधिक जानकारी के लिए या फिर इस बुक को खरीदने के लिए 9172611443 इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रॉपर मेडिसिन प्रॉपर बीमारी के ऊपर देने के बावजूद भी आपकी मुर्गियां क्यों नहीं सुधरती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ टाइम ये गलती न्यू पोल्ट्री फार्मर से होती है। तो पक्षियों के बॉडी वेट के हिसाब से, पक्षियों के क्वांटिटी के हिसाब से और साथ ही साथ पक्षी आपका दिन भर में कितना पानी पीता है, इस तीनों के तीनों बातों के अनुसार आपको मेडिसिन देनी होती है। कोई मेडिसिन आपकी मुर्गी दिन भर में कितनी पानी पीती है उस हिसाब से देना होता है, कोई मेडिसिन पाउडर फॉर्म वाली आपके बर्ड्स के क्वांटिटी के हिसाब से देना होता है और कोई मेडिसिन आपको आपके बर्ड का बॉडी वेट कितना है उस हिसाब से देना होता है। तो हमारे नए पोल्ट्री फार्मर इन तीनों भी बातों में फेल हो जाते हैं, क्योंकि उनको क्या लगता है जो पीने का पानी होता है उसमें थोड़ी बहुत मेडिसिन मिलाकर दे दिए तो हमारी मुर्गियाँ सुधर जाएंगी। नहीं दोस्तों, हर एक ये जो मेडिसिन होते हैं उसका इंडिकेशन अलग होता है, उसको इस्तेमाल करने का तरीका अलग होता है, इस्तेमाल करने वाली क्वांटिटी कम या ज़्यादा वो अलग होता है। इसके लिए पहले आपको ये समझना पड़ेगा सबसे पहले कि आपको मुर्गियों की बीमारी है क्या, आपके मुर्गियों को कौन सी बीमारी हुई है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आते हैं कि इस बीमारी के लिए क्या मैं एंटीबायोटिक इस्तेमाल करूं या फिर इस बीमारी पर कोई डेडिकेटेड मेडिसिन मार्केट में मिलती है। जैसे कि अगर हम बात कर लेते हैं सीआरडी की, तो दोस्तों यहां पर आप एक बात नोटिस करोगे, सीआरडी की बीमारी को दूर करने के लिए आप उसको एंटीबायोटिक भी दे सकते हो और साथ ही साथ एक डेडिकेटेड सीआरडी के ऊपर भी मेडिसिन आती है मार्केट में, जैसे कि ट्रॉक्स पाउडर, ठीक है ना, उसके साथ साथ लियोफ्लोक्सिन पाउडर, एंड्रोफ्लोक्सासिन कंटेंट वाली मेडिसिन आती हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि एंटीबायोटिक का इस्तेमाल हम कब करते हैं। एंटीबायोटिक ऐसी मेडिसिन होती है दोस्तों जो हर एक बीमारी पर तकरीबन काम करती है, ठीक है। और जो अगर डेडिकेटेड मेडिसिन की जहाँ पर हम बात करते हैं, जैसे कि सीआरडी की अगर यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो अगर आप एंड्रोफ्लोक्सासिन कंटेंट वाली कोई मेडिसिन या फिर लियोफ्लोक्सासिन कंटेंट वाली कोई मेडिसिन मुर्गियों को देते हो तो वो डायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ सीआरडी पर ही काम करेगी। अगर आपके मुर्गियों को दूसरी कोई बीमारी हुई होगी तो उस पर वो काम नहीं करेगी। इसका मतलब सबसे पहले हमें पहचानना है कि हमारे मुर्गियों को कौन सी बीमारी हुई है और उसके बाद हमें डेडिकेटेड उस बीमारी पर काम करने वाली मेडिसिन को मार्केट से ढूंढना है, किसी से पूछना है और वो लेकर आकर अपने मुर्गियों की ट्रीटमेंट करना है। चलो मैं आज का ही एक आपको सिंपल सा उदाहरण बताता हूँ। अभी एक घंटे के पहले मुझे मेरे पोल्ट्री कस्टमर का कॉल आया था, अभिषेक भैया मुझे मेरे पास 500 मेरे पास मुर्गियाँ हैं, उनका बॉडी वेट तकरीबन 400 ग्राम का आसपास का है और उनके आँखों पर सूजन आके है और उनको छिक छिक का आवाज़ आ रहा है। इसका सीधा सा मतलब उन भाई को सीआरडी का प्रॉब्लम उनके मुर्गियों को हुआ था। तो मैंने पूछा ट्रीटमेंट के तौर पर आप कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हो, वो बोल रहे थे भैया मैं ट्रीटमेंट के तौर पर अभी लिग्जन पाउडर का इस्तेमाल कर रहा हूँ गए 5 दिनों से, लेकिन फिर भी मुझे किसी भी प्रकार का आराम हमारी मुर्गियों की तबीयत में नहीं मिला, तो मुझे कोई दूसरी मेडिसिन बताइए जिससे कि मेरी मुर्गियों की ये सर्दी हो या फिर सीआरडी हो चली जाए। तो मैंने उनको ये पूछा कि भैया आप जो भी आप अपने मुर्गियों की ट्रीटमेंट कर रहे हो लिग्जन पाउडर को लेके, आप कितना डोज चला रहे हो अपने पीने के पानी में आपके 500 मुर्गियों के लिए। तो वो भाई बोल रहे थे कि मैंने 4 दिनों में 1 लिग्जन पाउडर का इस्तेमाल किया है, हर 4 दिन में मैं थोड़ा लिग्जन पाउडर डालकर पीने के पानी में डालकर मुर्गियों को दे रहा हूँ। तभी मैंने उस कस्टमर को बोला, पोल्ट्री फार्मर को बोला, देखो भैया आप अपनी मुर्गियों को आपके मुर्गियों के क्वांटिटी के हिसाब से और साथ ही साथ आपके मुर्गियों के बॉडी वेट के हिसाब से बहुत ही कम मात्रा में मेडिसिन दे रहे हो, इसीलिए आपके मुर्गियों की सर्दी नहीं जा रही है। तो मैंने उनको प्रॉपर तरीके से समझा कर बताया, आपके पास 500 मुर्गियाँ हैं, आपके मुर्गियों का बॉडी वेट 400 ग्राम है, उसको किलो में कन्वर्ट कीजिए, 500 × 400 ग्राम इज इक्वल टू 200 किलो उनका बॉडी वेट होता है। तो किसी भी मेडिसिन को इस्तेमाल करते समय आप उसके इंडिकेशन पढ़े, वहाँ पर
प्रिवेंटिव मेडिसिन कितनी इस्तेमाल करना है, ट्रीटमेंट के लिए कितनी मेडिसिन इस्तेमाल करना है और आउटब्रेक के समय में कितनी मेडिसिन इस्तेमाल करना, उसका प्रॉपर चार्ट वहाँ पर देकर होता है। आप चाहे तो यहाँ पर लिग्जन पाउडर की बात करें, लिग्जन पाउडर का फोटो आपके वीडियो के स्क्रीन पर है, वहाँ पर भी आप देख सकते हो। अगर आपका मुर्गा आधे किलो के बॉडी वेट का है तो आधे किलो के बॉडी वेट के लिए आपको तकरीबन आधा ग्राम ये अपना लिग्जन पाउडर इस्तेमाल करना होता है। इसका मतलब अगर आपके मुर्गियों का 100 किलो बॉडी वेट है तो आपको 50 ग्राम लिग्जन पाउडर ट्रीटमेंट के तौर पर इस्तेमाल करना है। उनका 200 किलो बॉडी वेट था, 500 मुर्गियों का 400 ग्राम के हिसाब से, तो उनको तकरीबन 100 ग्राम लिग्जन पाउडर प्रति एक दिन में इस्तेमाल करना है पीने के पानी में। तो वो चार दिनों में थोड़ा थोड़ा 20 ग्राम पाउडर चार दिनों तक के चला रहे थे, तो उनको रिजल्ट कैसे मिलेगा? तो उसके बाद मैंने उनको समझाकर बताया, आपके टोटल पूरे के पूरे मुर्गे का बॉडी वेट 200 किलो है, कम से कम आपको 5 लिग्जन पाउडर 20 ग्राम वाले यानी कि 100 ग्राम लिग्जन पाउडर पीने के पानी में चलाओ, 100% चार दिनों के बाद आपको सीएडी का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों, सबसे पहले आपको समझना है कि आपके मुर्गे का वजन कितना है, मुर्गे के वजन के हिसाब से आपको मेडिसिन चलाना है या फिर क्वांटिटी के हिसाब से आपको मेडिसिन चलाना है। चलो अभी हम कॉक्सोडियोसिस मेडिसिन के रिगार्डिंग थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आप सभी को पता है जो रक्ती हगवन यानी कि लाल कलर की बीट मुर्गियाँ करती है, ऐसे समय में उस पर एक बेस्ट मेडिसिन है, वो है एम्प्रोलियम, ठीक है, जिसके वीडियो के स्क्रीन पर आप दोस्तों एम्प्रोलियम पाउडर भी देख पा रहे हो। यहाँ पर तीन प्रकार से आप इस पाउडर को इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपके मुर्गियों को किसी भी प्रकार की यानी कि बीमारी नहीं हुई है, सिर्फ आप प्रिवेंशन के तौर पर इस पाउडर को इस्तेमाल करना चाहते हो, तो 50 लीटर के पानी में आपको 30 ग्राम मेडिसिन चलाना है पूरे दिन भर के पीने के पानी में। यानी कि अगर आपकी मुर्गियाँ 200 लीटर पानी पीती है पूरे के पूरे एक दिन में, तो वहाँ पर आपको तकरीबन 120 ग्राम पाउडर इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये मेडिसिन जो होती है पाउडर फॉर्म की दोस्तों, ये पानी आपकी मुर्गियाँ कितनी पीती है उसके हिसाब से है। पहले हमने लिग्जन पाउडर के बारे में बात करी, वो थी आपके बर्ड के बॉडी वेट के हिसाब से, ये है आपकी मुर्गियाँ पानी कितनी पीती है उसके हिसाब से, ठीक है। वहीं पर अगर हम ये एम्प्रोलियम पाउडर की बात करते हैं कि आपके मुर्गियों को माइल्ड इन्फेक्शन हुआ है, हल्का फुल्का कोई इन्फेक्शन हुआ है, तो ऐसे में दिन भर के पीने के पानी में 1 लीटर पानी में आपको 1 ग्राम एम्प्रोलियम पाउडर डालना होता है। इसका मतलब अगर आपकी मुर्गियाँ दिन भर के पानी में 200 लीटर पानी पीती है तो आपको 200 ग्राम एम्प्रोलियम पाउडर 24 घंटे में चलाना है, ठीक है। और वहीं पर अगर उसका आउटब्रेक होता है तो दोस्तों तकरीबन 30 लीटर पानी में आपको 60 ग्राम एम्प्रोलियम पाउडर इस्तेमाल करना है। इसका सीधा सा मतलब 1 लीटर पानी में 2 ग्राम पाउडर आपको इस्तेमाल करना है। इस तरीके से दोस्तों अलग अलग मेडिसिन होती है, कोई मेडिसिन आपको आपकी मुर्गियाँ दिन भर में कितनी पानी पीते उसके हिसाब से आपको देना पड़ता है, कोई मेडिसिन आपके बर्ड्स के क्वांटिटी के हिसाब से देना होता है, तो कोई मेडिसिन आपको दोस्तों बर्ड के बॉडी वेट के हिसाब से देना होता है। जैसे कि वीडियो के स्क्रीन पर आप दोस्तों टेट्रासाइक्लिन पाउडर देख रहे हो, ये टेट्रासाइक्लिन का पाउडर या फिर एंटीबायोटिक ये जो होता है टेट्रासाइक्लिन का, ये भी बर्ड्स के दिन भर के कितनी पानी पीते उसके हिसाब से देना होता है। वीडियो के स्क्रीन पर दोस्तों एंटीबायोटिक देख रहे हो आप, एंड्रोजन प्लस, ये भी मेडिसिन आपको दोस्तों आपके जो भी बर्ड्स होते हैं वो दिन भर कितना पानी पीते हैं उस हिसाब से ये मेडिसिन देनी होती है। तो आई होप दोस्तों आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया होगा कि आपकी तरफ से गलती कौन सी हो रही है, जिस कारण आपकी मुर्गियों को प्रॉपर मेडिसिन या फिर दवाई के पीछे इतना खर्चा होने के बावजूद भी आपकी मुर्गियाँ नहीं सुधर रही है।